ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मतलब अब वो भाग गया है, अब तो वो किसी के हाथ नहीं आएगा। हाँ ऐसा मुमकिन है, मगर वो बाबा जान के पास वापस नहीं आएगा। वो जानता है कि उसने ईमान भाभी से वादा करके अपनी रिहाई करवाई है। जी जी हम बिल्कुल अलर्ट हैं, आप फिक्र मत कीजिए। कोई भी बात हो तो हमें प्लीज जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज। थैंक यू। आपकी बात हुई नसीर अंकल से? हाँ अभी कुछ देर पहले उनसे बात हुई है। वो बहुत परेशान हो गए हैं कि ईमान भाभी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। उनके पास तो सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि साबिर उनको उनकी बेटी से मिला देगा। बहुत टूट गई हैं। मुझे लगता है कि हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। वो राफे और सुनहरा के घर पर है। हाँ ठीक कह रही हूँ, हम चलते हैं उनकी तरफ, मगर जाते हुए घर से चक्कर लगा लेंगे, एक बच्चों को देखते जाएंगे। ठीक है, मैं भी आती हूँ, बल्कि अम्मा जान को भी बता देती हूँ कि हमारा ये प्लान है। ठीक है, ठीक है। तुम आओ, वेट करो। तो फिर हमें और कितने दिन इस तरह घर में रहना होगा? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे? क्या गलत कर रहा हूं मैं जो तुम्हें एहतियात करने को कह रहा हूं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप क्यों डर रहे हैं। मैं डर नहीं रहा हूं जूनी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। आया था ना घर में ईमान को ढूंढता हुआ, क्या दोबारा नहीं आ सकता? ये ईमान ने क्या किया? और नसीरुद्दीन साहब, अरे ये तो वही मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात हो गई ना जूनी। जब ईमान खुद अपने केस में इतनी कमजोर पड़ गई है तो नसीरुद्दीन साहब क्या करते भला? तो अब क्या होगा? होशियार रहना होगा और क्या, जब तक कोई खास खबर नहीं आती। वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच साबिर आगे क्या कदम उठाता है। साहब कहाँ जाना है? तू यहां से सीधा आगे हाँ हेलो, सुने मैं आपको अभी एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, फॉरन फॉरन पुलिस भेजिए फॉरन। ओके कौन? आ रही हूँ भाई, रुक जाओ आ रही हूँ। पापा बच्ची कहाँ है? इसकी माँ का पता चल गया है, और जल्दी दो मुझे बच्ची, मैं इसकी माँ तक पहुंचा दूँ। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी इसको। समझा करो आपा, डेढ़ दो महीने में इतना ही लगाओगे आप? मुझे मेरी औलाद जैसी लगने लगी है। सोचो उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसकी ये औलाद है। पुलिस पकड़ लो इन दोनों को। मैडम
क्या करा है मेरे भाई ने? मेरे भाई को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारे भाई को नहीं, तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा इस बच्ची के अगवा के केस में। ओए, ले चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब। बच्ची मेरी है ना? तुम्हारी बच्ची? सरकार आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये मेरी बच्ची है ना? जी सरकार। ले चलो दोनों को। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इनको। माफ किया मैंने इन दोनों को, बल्कि इनका तो ऐसा है कि इन्होंने मेरी बच्ची को संभाला। साबिर, बहुत वफादार आदमी है ना तुम अब्बा जान के, वफादारी में ये क्यों भूल जाते हो कि नमक हलाली हलाल कामों में होती है, हराम कामों में नहीं। तुम जैसे लोग अपने मालिक के लिए क्या कुछ नहीं करते, कत्ल, अगवा, डाका, सब कुछ ये भूल जाते हो कि असल मालिक ऊपर वाला है। जाओ, माफ किया मैंने तुम्हें, लेकिन अपने हकीकी मालिक से माफी जरूर मांगना। और एक बात और, आइंदा किसी मां को उसकी औलाद का दुख मत देना। कैसी तबीयत है आपकी? मोहतरम, आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है क्योंकि आपने अपने जिस मैनेजर से रब्ता करने को कहा था उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और अब से पहले जो एक लड़की आपकी अटेंडेंट थी उन्होंने भी दोबारा कोई रब्ता नहीं किया। हाँ अलबत्ता उन्होंने आपके तमाम बिल और एक व्हील चेयर के एक्सपेंसेस पे कर दिए थे। आपको एक एम्बुलेंस के ज़रिए आपके घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। नर्स स्टाफ से बोल के आप इन्हें इनके घर शिफ्ट करवा दें। जेरोमा, चाय पियो और वो सब कुछ भूल जाओ जो मैंने तुम्हें बताया, और मुझ पर भरोसा रखो। एक दिन आएगा इस पूरे घर की मालकिन मैं होंगी,
फिर मैं बताऊंगी कि राज कैसे होता है। अरेस्ट कर लो इन्हें। क्यों, मैंने क्या किया है? आपने अपने ससुर का कत्ल किया है। क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी से बात करो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत बिल्कुल है मिस्टर सलमान। इन्हें जरा सबूत दिखाइए। मारा है उसे, मैंने ली है उसकी जान, मारा है मैंने अपने ससुर को। और अम्मा, तुम जो वो नींद की गोलियों का पत्ता लेकर आई थी ना, वो पूरा का पूरा चाय में घोल के पिला दिया मैंने उसे। उस बुड्ढे को सब कुछ पता चल गया था कि मिनाल ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने मिनाल को मारने की कोशिश की। तो क्या करते, उसे मारना पड़ा। जी तो चाहता है कि गला दबाकर तुम्हें जान से मार दूं। इतनी बेहस, इतनी जालिम हो सकती हो तुम? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम औरत ना होती ना तो तुम्हें अभी जान से मार देता। जो कुछ मैंने किया ना, सब तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे माफ कर दो सलमान। इसे इतनी गहरी सजा दिलवाई है, इतनी सख्त सजा दिलवाई है कि मेरे दिल को सुकून मिले। जरूर गिरफ्तार कर लो इसे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सलमान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, चलो मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो सलमान। सलमान, ये मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, प्लीज समझने की कोशिश करो। अम्मा, अम्मा तुम बताओ ना सलमान को। सलमान, सलमान मेरी तरफ देखो, 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 ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, मैं तुमसे बहुत। छोड़ो। सलमान, सलमान मुझे बचा। अम्मा, सलमान, अम्मा, सलमान, सलमान, मेरी बात। कर दिया मैंने ये सब, सच और झूठ को समझ ही नहीं पाया। मिनाल को उस जुर्म की सजा मिली जो गुनाह उसने किया ही नहीं। शायद इसी नाइंसाफी की सजा मुझे मेरे बाप की मौत की सूरत में मिली। हेलो। हेलो। एक बुरी खबर है जूनी। क्या? वो जोहा, सलमान की बीवी, अरेस्ट हो गई। मगर क्यों? उसका एक बहुत बड़ा राज फाश हो गया। राज? कैसा राज? सलमान को शक है कि जोहा ने उसके पापा का कत्ल किया है। माय गॉड, कत्ल? मगर पता कैसे चला? वैसे कि सलमान ने घर में कैमरास लगाए हुए थे ताकि वो जोहा की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। तो जोहा को पता नहीं था उन कैमरास के बारे में। उसने अपनी माँ के सामने इकरार कर लिया कि उसने अपने ससुर का कत्ल किया है। क्या लाभ, पता नहीं क्या होता जा रहा दुनिया को। जूनी बेगम, इंसान जब इंसानियत से गिरता है ना, गिरता चला जाता है। हाँ।
जी नसीर अंकल। हेलो आफाक, कहाँ हो तुम? वापस आ रहा हूँ। और वो साबिर अली? उसको माफ कर दिया मैंने, मेरी बच्ची मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अंकल वो ईमान आपके साथ है ना? हाँ हाँ, यही है वो, यही है ईमान का पुत्र। आप एक काम कीजिए, आप उसे लेके अम्मा जान की तरफ चलिए, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, आओ आओ, हम आते हैं। आते ओके ओके, खुदा हाफिज़। गुड न्यूज, हम जीत गए। थैंक गॉड। और वो बच्ची को लेकर रफाक वापस आ रहा है। थैंक गॉड, या अल्लाह तेरा शुक्र। दैट्स अमेजिंग। यार खैर, हमें देर नहीं करनी चाहिए, फौरन ईमान को खुशखबरी सुनानी चाहिए ना। अरे यही तो वो कह रहा है कि आप उनको लेकर आइए। चलो आओ, लेट्स गो। आइए आओ। ईमान, बहुत अच्छी खबर है ईमान तुम्हारे लिए। ईमान बेटे, चलो हमारे साथ चलो, we have a big surprise for you। जो हम तुम्हें बताने वाले हैं उसके सुनकर तुम बाग बाग हो जाओगे। चलो ऑटो में साथ चलो, याद करो मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें एक जीने की एक वजह दूंगा। तो ये बताओ कि अगर तुम्हें तुम्हारी बच्ची मिल जाए तो तुम आफाक को माफ कर दोगी? मेरी बच्ची जिंदा है। कैसी मां हो, अपनी जिंदा बच्ची को तसव्वुर करियो कि वो मुर्दा है। अरे ईमान, मां को तो अंदाजा हो जाता है कि उसकी औलाद कहां है और किस कंडीशन में है। और अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि आफाक तुम्हारी बेटी को लेकर यहां आ रहा है तो? फक। हां, आफाक ने तुम्हारी बच्ची को ढूंढ लिया है और उसे यहां लेकर आ रहा है। आफाक जिंदा है और तुम्हारी बच्ची उसके पास है। ये था मेरा सरप्राइज। अब चल, देर मत कर, अफवाह के आने से पहले हमें उसके घर पहुंचना। चल आज। अरे ईमान, ओह माय गॉड, क्या हुआ ईमान? क्या हुआ, क्या हुआ इसको? Go and get the ambulance. Jaldi, jaldi, ring. Iman. Junaid, take care of. आपकी बेहिसी का ये आलम है बाबा जान,
कि इस हालत में भी आप सिर्फ अपने बेटे का नाम ले रहे हो, जो आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में रहा ही नहीं। बाबा जान, चली जाऊंगी बाबा जान, चली जाऊंगी। आज मैं अपना सारा हिसाब लेकर जाऊंगी, आपकी सारी नफरतों का हिसाब आपको आज मुझे देना होगा बाबा जान। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको आज सबकी नफरतों का हिसाब देना होगा बाबा जान। ईमान, ईमान मेरी बात सुनो, देखो अफाफ और अजम दोनों जिंदा हैं। वो तुम्हारी तुम्हारी जीने की राह बनेगी बेटा, तुम मेरी बात सुन रही हो ना ईमान, प्लीज ईमान। क्या करना चाहिए अब नसीर अंकल, आफाक को इतला करें क्या? नहीं नहीं, अभी उसे ये बुरी खबर देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत खुश है इस वक्त। हाँ लेकिन ईमान को कुछ? ईमान को कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है ईमान को, कुछ नहीं हो रहा। मुझे पहचाना मरगूब अहमद चौधरी? तुम्हारे पांव की जूती। अपने कुंबे के साथ आई हूं मैं तुम्हारे सामने अपनी जीत का ऐलान करने और तुम्हारी शिकस्त के बाद सूरत देखने। उस मरगूब अहमद चौधरी की जिसे हमेशा अपनी दौलत और अपने रुतबे पर मान रहा है, मैं देखना चाहती हूँ कि शिकस्त खा के मरगूब अहमद चौधरी कैसा लगता है। इधर देखो मरगूब अहमद, इधर देखो मुझे, देखो अपने कुंबे को। तुम्हारी तमाम तर शैतानियत के बावजूद उस रहमान ने हमें एक बार फिर से एक कर दिया। क्यों पुकार रहे हैं मुझे पहचाना? हैरान हो रहे हैं मुझे देख के। मेरी मौत की खबर मिली थी ना आपको, आपको तो मैं बहुत पहले ही पैगाम भिजवा चुका था कि मैं मर गया हूं आपके लिए, फिर क्यों पुकार रहे हैं मुझे? क्या चाहते हैं मुझसे? आपको आपका वारिस नहीं दे सकता, अलबत्ता अपनी बेटी को अपने साथ लाया हूं। बस बेटे आओ आड़ी। ये देखिए अब्बा जान, देखिए सर, ये आपका पोता नहीं पोती है। हैरत की बात तो ये है कि ये उसी खुदा का अदल है अब्बा जी। आप बेटों से नफरत करते थे ना, उसने आपके बेटे को भी बेटी से नवाजा। आपके लिए तो शायद इसकी पैदाइश की खबर भी जहमत होगी, मेरे लिए ये खुदा की सबसे बड़ी रहमत है।
ओ, आओ। बस यही बताने आया था आज मैं आपको। आओ। आओ। यही बताने आया था। जाने अब आप मेरा हिसाब देने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब मैं पैदा हुई थी आपने तभी मुझे जिंदा दरगोर क्यों नहीं किया था? पल पल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? होश क्यों संभालने दिया था? आपकी नफरतों को सहने के लिए शौर की उम्र तक क्यों आने दिया था बाबा जान? बताएं मुझे। जब मैं सोचने समझने और महसूस करने लग गई तब आपने मुझे इतनी नफरत दी कि मुझे जान से मारने की कोशिश की। माँ, आपने तो मेरी गोद को हमेशा के लिए सूना कर दिया। शो। शो। चौधरी, आपकी इतनी नफरतों के बावजूद भी मैं आपसे अपने हिस्से का प्यार लेने के लिए आ गई, ये सोचकर कि आप इतने अकेले इतने बेबस हो गए। अब तो अपनी बेटी को कबूल कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमेशा की तरह आज भी आपने अल्लाह की रहमत को घर से छुटला दिया। पापा जान, आप इतने अकेले रह गए, कभी सोचा है आपने? वाह, आप क्यों समझ नहीं पाए कि मुझे भी खुदा ने बनाया है? मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया, बाबा मुझे भी खुदा ने बनाया। मरहूम अहमद चौधरी, मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ। तुम्हारी जूती को ये सर का ताज बना कर रखेंगे और तुम्हें कोई एक घूंट पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। सिसक सिसक के मरोगे तुम मरहूम अहमद, सिसक सिसक के मरोगे। चलो बेटा यहां से, चलो यहां से। अल्लाह, ईमान की हिफाजत फरमा, उसने बहुत दुख उठाए हैं, अब उसकी जिंदगी में सुख का वक्त आया है। तो वो हॉस्पिटल पहुंच गई है, मेरे खुदा उसकी सांसें बहाल कर दे,
उसकी बेटी कितने दिनों के बाद मिली। उन्हें जीने का सामान अता फरमा मेरे मालिक, चाहे मेरी गोद सूनी रहने दे, मगर ईमान की गोद सूनी नहीं रखना मेरे मालिक, सूनी नहीं रखना। इत्मीनान रखें, अब वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलिए शुक्र है अंकल, अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मरोगे, 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 मरोगे,